राजस्थान के अलवर में शनिवार की दोपहर को तिजारा फाटक ओवरब्रिज के समीप कर्मचारी कॉलोनी में संचालित दूध मिष्ठान भंडार की दुकान पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर एक बार फिर अपनी उपस्थिति साबित करने का प्रयास किया है। फायरिंग के साथ ही अपराधियों ने टारगेट किए गए दुकान से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और आते ही फायरिंग कर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद संबंधित थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस दुकान में सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकालकर अपराधियों को चिन्हित करने के प्रयास में लगी हुई है। दुकान संचालक ने बताया कि दुकान पर की गई फायरिंग के मामले में शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस जांच कर रही है। बदमाशों ने फायरिंग कर एक हस्तलिखित पर्ची भी दुकान में फेंकी, जिसमें 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई। साथ ही लिखा था कि ये जो गोलियां चली हैं सिर्फ चेतावनी है। मिठाई की दुकान पर हुई फायरिंग की सूचना पर शहर विधायक संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे। भंडार पर आज एक लड़के द्वारा फायरिंग की घटना की गई, जो इनके सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर है, और इसमें फिरौती की डिमांड की गई 50 लाख की, और जिसमें भोंडसी जेल से रिलेटेड दो मुलजमों के नाम भी मेंशन किए गए। इसको वारदात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मालिक का कहना है कि इनको पहले भी प्रीवियस किसी भी प्रकार की ना तो कोई थ्रेट मिली है, ना किसी प्रकार की डिमांड हुई है। तो इस घटना को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस मानसिकता से अपराधी ने इस कृत्य को किया। किस तरह आ रहे हैं पेज में, क्या है पूरा? एक लड़का दिखाई दे रहा है, हेलमेट पहना हुआ है, तो हमने एक बार उसकी नाकाबंदी कराई है, देखते हैं कि वो क्या रहता है। ये जो आम रास्ता है और जरा के लिए निकलता है, इस पर कोई पेट्रोलिंग की दिन में भी आवश्यकता है? चेतक और सिग्मा तो हमेशा गश्त रहती है, बट कई बार होता है कि आप इस वाले राउंड पे नहीं हो तो हो जाए फायरिंग इंसिडेंट इस तरह का। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।